फ्रेंड्स, मुझे फार्म बहुत पसंद है। ये मेरी मम्मा ने बनाया है, जिसको हम अलग अलग डायरेक्शंस में रख सकते हैं। चलो हम सीखें उनसे कैसे बनाना है। देखो, मैं इसमें सुला भी देती हूँ एनिमल्स को। ये देखो हमने क्या किया, हमने लिया फेविकॉल का हीटेक्स एंड ये बहुत सारी अलग अलग कलर की स्टिक्स। ये हमने अब कलरफुल बनाया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कलर्स अरेंज कर लिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अरेंज करके इसके ऊपर हम एक और स्टिक लगा देंगे, सारी स्टिक्स अरेंज करके। ये हमने, ये देखो पहले हमने लिया ब्लू, इंडिगो, फिर हमने पहले वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, हमने यही सारे कॉम्बिनेशन लिए। इट सीम्स लाइक रेनबो। उसके बाद हमने हीटेक्स को लिया, थोड़ा सा ग्लू हमने इस पर स्टिक किया और इसको लगाने के बाद इसके साथ डाल दिया ताकि ये फिक्स हो जाए। एकदम से फिक्स नहीं होगा, पर ध्यान से, ये उंगलियों में चिपक जाता है। तो इस सब चीज़ों के लिए आपको किसी बड़े की हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर आप हीट गन भी यूज़ कर सकते हो। आजकल ग्लू गन आती है, मेरी गन थोड़ी ख़राब हो गई थी तो मैंने ये हीटेक्स यूज़ किया। या आप लोग फेविकोल भी यूज़ कर सकते हो, बट वो ज़्यादा टाइम के लिए स्टिक रहे इसलिए आपको डबल करनी पड़ेगी लेयर। सो लेयर तो मैं भी यहाँ डबल करूँगी ताकि मेरा फार्म जल्दी टूटे ना। तो ये देखो हम अब लगा रहे हैं इसको। मेरी मम्मा बहुत फास्ट है, वो बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, देख रहे हो ना आप लोग। कलर कॉम्बिनेशन भी तो सही होने चाहिए। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों डिफरेंट डिफरेंट वॉल्स को ज्वाइन करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, दो स्टिक्स और उसके बीच में हम एक और स्टिक लगाएंगे। अभी ये देखो, इन दोनों स्टिक के बीच में थोड़ी सी स्पेस में हमने उसको ज्वाइन कर लिया। अब ये स्टिक यहाँ पर टिकी रहे इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। फिर मेरी मम्मा का इंजीनियर माइंड चला, उन्होंने क्या किया, इसको स्टिक रहे इसके लिए इसकी साइड साइड में भी दो लगा दिए स्टिक्स। ये देखो, अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, सेम प्रोसेस दूसरी वॉल पे भी किया, सो दैट वो अब उसको पूरे अच्छे से स्टिक कर पाए। ये सब करने के बाद अब ये इसके ऊपर डिस इसको सही करने के बाद अब ये इसके ऊपर स्टिक हो जाएगी। हाँ, पर इसमें ऑब्वियसली हमें फेविकोल लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए आप कोशिश करें कि किसी बड़े की हेल्प ले लें, खुद ना बनाएं। अब ये देखो, ये इसका सही बन गया। अब हमें इसकी वॉल बनानी है। अब थ्री डायरेक्शनल, हमने ये 3D बना रहे हैं तो हमें तीसरी वॉल भी बनानी पड़ेगी। तो हमने अब वॉल लेके उसको भी हीटेक से ज्वाइन कर लिया। अब इसको ज्वाइन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसका शेड बनाना है। तो हम शेड के लिए हम क्या करेंगे, दो शेड बनाएंगे, एक प्लेन शेड बनाएंगे और एक ऊपर का ट्राइंगल शेड बनाएंगे, एंगल्स वाला। तो ये अभी प्लेन शेड का काम चल रहा है। अभी हम इसमें प्लेन शेड के लिए क्या कर रहे हैं, ये देखो, अब हमने इसमें फिर स्टिक्स लगाई इन्हीं डायरेक्शन में और इसमें इसको स्टिक कर दिया।
अब देखो इसको, अब हम इसका ट्रायंगल शेड बनाएंगे। ट्रायंगल शेड के लिए हम क्या करेंगे, अपनी स्टिक्स को वापस पहले हम वॉल्स बनाएंगे। वैसे ही सेम प्रोसेस, हमें मल्टी कलर बनाना है तो हम वही कलर्स रिपीट करेंगे कॉम्बिनेशन में। इट्स अ रेनबो फार्म हाउस, तो रेनबो कलर यूज कर रहे हैं हम लोग। देखो अब हमने इनको स्टिक करने के लिए अब स्टिक करने के लिए हम स्टिक्स को साइड से कट करके इसकी हेल्प से इसको लगा देंगे, पर एक साइड की स्टिक इतनी हेल्पफुल नहीं रहेगी, तो मम्मा को लगा हमें दो साइड स्टिक्स लगानी पड़ेगी। तो मम्मा ने दूसरा साइड भी स्ट्रॉन्ग करके यहाँ पर एक और स्टिक लगा दी।